हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे सिक्वेंशियल सर्किट का, वो है लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, लैच और फ्लिप फ्लॉप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिक्वेंशियल सर्किट का और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, और अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो आपका जो सिक्वेंशियल सर्किट वाली यूनिट है वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसके सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का यूज कहाँ करते हैं, यानी हमारे लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अपने प्रीवियस वीडियो में सिक्वेंशियल सर्किट का फर्स्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि सिक्वेंशियल सर्किट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट। जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सर्किट होते हैं जिनको हम लॉजिक गेट की हेल्प से बनाते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हम इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिल जाता है, यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है। अब अगर इस कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ हम एक मेमोरी एलिमेंट अटैच कर दें तो ये जो पूरा सर्किट होता है वो कहलाता है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। और ये जो मेमोरी एलिमेंट है उसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं लैच का और फ्लिप फ्लॉप का। तो लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप आर द मेमोरी एलिमेंट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट के मेमोरी एलिमेंट क्या क्या कहलाते हैं हमारे, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप। और ये मेमोरी एलिमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट का। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा है, मेमोरी एलिमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिक्वेंशियल सर्किट। अब सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट का क्या फंक्शन है, तो मेमोरी एलिमेंट से जैसा कि आपको नाम सजेस्ट कर रहा है, मेमोरी एलिमेंट मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो लैचेस और फ्लिप फ्लॉप भी हमारे 1 बिट स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो भी आउटपुट आता है उसको स्टोर करने का काम हमारे मेमोरी एलिमेंट का होता है। और जब भी हमारे इनपुट में चेंज होगा हमारा मेमोरी एलिमेंट जो स्टोर्ड वैल्यू है वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को दे देगा, और कॉम्बिनेशन सर्किट दोनों इनपुट को लेकर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और नया आउटपुट जनरेट करेंगे। ये पूरा फंक्शन होता है सिक्वेंशियल सर्किट का। इसीलिए हम कहते हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट में जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पर एज वेल एज पास्ट आउटपुट पर जो कि हमारे मेमोरी एलिमेंट में स्टोर है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है सिक्वेंशियल सर्किट का। इन सिक्वेंशियल सर्किट द प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। तो होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम मेमोरी एलिमेंट का यानी लैचेस और फ्लिप फ्लॉप का कहाँ यूज करते हैं। तो अब अपन देखते हैं लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप। लैचेस क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, इनका हम यूज कहाँ करते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी एलिमेंट यूज इन सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट में हम 2 टाइप के मेमोरी एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं, लैचेस और फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। बोथ आर यूज टू स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन, इट कैन आइदर बी 0 और 1। दोनों हमारे मेमोरी एलिमेंट हैं, इसीलिए दोनों हमारी 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कैपेबल होते हैं, और वो 1 बिट इंफॉर्मेशन आपकी आइदर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। दे हैव 2 स्टेबल स्टेट, इनमें 2 स्टेबल स्टेट होती हैं, इसीलिए इनको हम बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि लैचेस और फ्लिप फ्लॉप हमारे मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज किए जाते हैं सिक्वेंशियल सर्किट में, और क्योंकि ये मेमोरी एलिमेंट की तरह यूज होते हैं इसीलिए ये कैपेबल होते हैं 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए।
ये इंफॉर्मेशन हमारी जीरो भी हो सकती है और वन भी हो सकती है। इनमें दो स्टेबल स्टेट होती हैं, इसीलिए इनको हम बाय स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कहते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज लैच, लैच क्या कहलाते हैं। अब सबसे पहले अपन देखते हैं लैचेस, वो लैच क्या कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लैचेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिक्वेंशियल सर्किट। इट रिस्पॉन्ड्स टू द इनपुट लेवल चेंज इमीडिएटली। जो लैचेस होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे ही इनपुट में चेंज होता है, यानी जैसे ही इनपुट में चेंज होगा तुरंत आउटपुट में चेंज होगा इमीडिएटली। यहाँ पे देखिए, इनपुट चेंज आउटपुट चेंज इमीडिएटली, जैसे ही आप इनपुट में चेंज करोगे तुरंत आउटपुट में आपको चेंज मिलेगा, उसको हम कहते हैं लैचेस। और इस टाइप के लैच हमारे कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट लैच। दिस टाइप ऑफ लैच इज नोन एज ट्रांसपेरेंट लैच। ये लैच हमारे एसिंक्रोनस टाइप ऑफ मेमोरी एलिमेंट कहलाते हैं। यहाँ पे कोई भी क्लॉक सिग्नल का हमने यूज नहीं किया, कोई भी कंट्रोल इनपुट का यूज नहीं किया, इसीलिए ये हमारे एसिंक्रोनस टाइप ऑफ मेमोरी एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे होते हैं गेटेड लैच। गेटेड लैच क्या कहलाते हैं, इनमें हमारे इनपुट के साथ एक और कंट्रोल इनपुट हम देते हैं, वो कहलाता है इनेबल इनपुट। इनेबल इनपुट इस टाइप की हमारी एक स्क्वायर वेव फॉर्म होती है, एक स्क्वायर पल्स होती है, जो हमारे कंट्रोल इनपुट की तरह काम करती है गेटेड लैच में। दिस टाइप ऑफ लैच बिकम ट्रांसपेरेंट बेस्ड ऑन द कंट्रोल इनपुट नोन एज गेटेड लैच। इस टाइप के लैच में हमारे पास एक कंट्रोल इनपुट भी काम करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गेटेड लैच। जब भी हमारा कंट्रोल इनपुट हाई होगा, हमारा जो गेटेड लैच है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और आउटपुट में चेंज मिलेगा। जब हमारा इनेबल इनपुट लो होगा तो हमारा गेटेड लैच जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इवन व्हेन इनपुट गेट चेंज। अगर हमारा उस टाइम पे इनपुट भी चेंज हो रहा है लेकिन इनेबल इनपुट अगर लो है तो गेटेड लैच रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और हमें आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा। उस टाइम पे वो अपनी जो प्रीवियस स्टेज थी उसको स्टोर करके रखेगा। दैट टाइम इट रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे गेटेड लैच होते हैं उसमें हमारे पास एक इनपुट के नॉर्मल इनपुट के साथ साथ एक इनेबल इनपुट भी होता है। ये इनेबल इनपुट हमारे कंट्रोल इनपुट की तरह काम करता है। ये इनेबल इनपुट में हम इस टाइप की एक स्क्वायर पल्स जो है वो अप्लाई करते हैं। ये हमारे गेटेड लैच के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। जब भी हमारा इनेबल इनपुट हाई होगा तो हमारा गेटेड लैच जो है वो एक्टिव हो जाएगा और तुरंत हमें आउटपुट में चेंज मिलेगा। लेकिन अगर हमारा इनेबल इनपुट लो होगा और अगर हमारा इनपुट भी चेंज हो रहा है उस टाइम पे, तब भी हमारा गेटेड लैच जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आउटपुट में हमें चेंज नहीं मिलेगा। उस टाइम पे इट रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट। उस टाइम पे जो हमारा गेटेड लैच है वो हमारे एक मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करेगा और अपनी प्रीवियस स्टेट को स्टोर करके रखेगा, यानी रिटेन करेगा। तो इस टाइप के जो लैच होते हैं वो हमारे सिंक्रोनस टाइप ऑफ मेमोरी एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन के लिए यहाँ पे हमें एक कंट्रोल इनपुट दिया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हमारे ट्रांसपेरेंट लैच में और हमारे गेटेड लैच में। तो ये दो टाइप के आपके लैचेस होते हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, दिस टाइप ऑफ लैच बिकम ट्रांसपेरेंट बेस्ड ऑन द कंट्रोल इनपुट नोन एज गेटेड लैच। इफ एनेबल इनपुट इज हाई then the latch responds to the change in output immediately। अगर इनेबल इनपुट हाई है और यहाँ से हमने एक इनपुट अप्लाई किया तो हमारा गेटेड लैच जो है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा और आउटपुट में हमें चेंज मिलेगा immediately। एंड when इनेबल इनपुट इज लो इट does नॉट रिस्पॉन्स टू आउटपुट चेंज इवन इनपुट चेंजेस इट रिटेन इट्स प्रीवियस स्टेट। अगर हमारा इनेबल इनपुट लो होगा उस टाइम पे अगर हमारा इनपुट भी चेंज होगा तब भी हमारा गेटेड लैच जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आउटपुट में चेंज नहीं मिलेगा, उस टाइम पे वो अपने प्रीवियस स्टेट को रिटेन करके रखेगा। तो ये इस टाइप के लैच हमारे सिंक्रोनस टाइप ऑफ मेमोरी एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लैचेस हैं। नेक्स्ट, लैचेस आर द डिजिटल सर्किट्स दैट स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लैचेस होते हैं वो हमारे डिजिटल सर्किट होते हैं जो सिंगल बिट वन बिट स्टोरिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं।
सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और कब तक स्टोर करते हैं एंड होल्ड इट वैल्यू अंटिल इट इज अपडेटेड बाय न्यू इनपुट सिग्नल. जब तक कि हमारा नया इनपुट सिग्नल अराइव नहीं होता तब तक वो उस प्रीवियस इनपुट को स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, लैचेस फॉलो ए लेवल ट्रिगर डिवाइस. लैचेस हमारे लेवल ट्रिगरिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं. मैंने अभी आपको बताया कि गेटेड लैच में जब इनेबल इनपुट हाई होता है तो हमारा गेटेड लैच जो है वो रिस्पॉन्ड करता है और लो होता है तो रिस्पॉन्ड नहीं करता. तो ये एक लेवल ट्रिगर डिवाइस है. दे आर यूज इन डिजिटल सिस्टम एज अ टेम्परेरी स्टोरेज एलिमेंट टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन. ये हमारे एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करते हैं बाइनरी इंफॉर्मेशन को, सिंगल बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए. सिंगल बिट इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, या तो जीरो या वन. लैचेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वेरियस डिजिटल लॉजिक गेट्स. लैचेस को हम लॉजिक गेट की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे आपके एंड और नॉट, नैंड और नॉर गेट की हेल्प से. तो ये है हमारे लैचेस. अब अपन देख लेते हैं व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप. ए फ्लिप फ्लॉप इज अ डिजिटल मेमोरी सर्किट दैट स्टोर वन बिट ऑफ डेटा. जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो वन बिट स्टोरिंग डिवाइस होते हैं, जैसे हमारे लैच है. एक्चुअली जो आपके लैचेस होते हैं उनका यूज हम करते हैं फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए. लैचेस ही हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फ्लिप फ्लॉप का भी. ठीक है, यानी अगर आपको लैच की फंक्शनैलिटी नहीं पता तो आप फ्लिप फ्लॉप नहीं समझ सकते. अगर आपको लैच का डायग्राम नहीं आता तो आप फ्लिप फ्लॉप नहीं बना सकते. ठीक है, तो लैचेस जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लिप फ्लॉप का. डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. ए फ्लिप फ्लॉप इज अ डिजिटल मेमोरी सर्किट दैट स्टोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे हमारे लैच वन बिट को स्टोर करते हैं वैसे ही हमारे फ्लिप फ्लॉप भी वन बिट को स्टोर करने के लिए कैपेबल होते हैं. इनमें भी दो स्टेबल स्टेट होती हैं, इसीलिए इनको भी हम बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की कैटेगरी में रखते हैं. दे आर द प्राइमरी ब्लॉक ऑफ द मोस्ट सिक्वेंशियल सर्किट. ये हमारे प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट का, और मोस्टली हम फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करते हैं मेमोरी एलिमेंट की तरह सिक्वेंशियल सर्किट्स में, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप हमारे ज्यादा एडवांस हैं लैचेस से, लेकिन लैचेस हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है फ्लिप फ्लॉप का. इट इज ऑल्सो कॉल्ड वन बिट मेमोरी बाइनरी और ए बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर. ये हमारे वन बिट स्टोरिंग डिवाइस कहलाते हैं जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. इनमें दो स्टेबल स्टेट होती हैं, इसीलिए इनको हम बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं. फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज अ मेमोरी एलिमेंट इन द सिक्वेंशियल सर्किट. वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेमोरी एलिमेंट की तरह सिक्वेंशियल सर्किट में मोस्टली हम फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करते हैं. फ्लिप फ्लॉप इज एन एज ट्रिगर डिवाइस. जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो हमारे एज ट्रिगर डिवाइस होते हैं. ठीक है, लैचेस हमारे लेवल ट्रिगर डिवाइस होते हैं, लेकिन ये हमारे एज ट्रिगर डिवाइस होते हैं. नेक्स्ट, ए फ्लिप फ्लॉप स्टेट रैपिडली चेंज एट एन एक्टिव स्टेट ऑफ द क्लॉक पल्स. जब भी हमारी क्लॉक पल्स की एक्टिव स्टेट होगी तो हमारे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी चेंज होगा. इसका मतलब है कि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसमें हम क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशनल सर्किट के बीच में. जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट और एक मेमोरी एलिमेंट को मिला के सिक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं, तो इन दोनों डिवाइस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करने के लिए हम एक क्लॉक पल्स प्रोवाइड करते हैं अपने फ्लिप फ्लॉप में. और फ्लिप फ्लॉप कहाँ लगा होता है, हमारे सिक्वेंशियल सर्किट के मेमोरी एलिमेंट. नेक्स्ट, द रिमेन अनअफेक्टेड इवन व्हेन द क्लॉक पल्स डज नॉट स्टे एक्टिव. अगर हमारी क्लॉक पल्स एक्टिव नहीं होगी तो हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो वर्क नहीं करेगा और हमारा आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होगा. हमारा आउटपुट कब चेंज होगा, जब हमारे मेमोरी एलिमेंट की क्लॉक पल्स एक्टिव स्टेट में होगी. क्योंकि हमें मेमोरी एलिमेंट को, फ्लिप फ्लॉप को और कॉम्बिनेशनल सर्किट को सिंक करने के लिए ही हम क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप में. द क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप पर्टिकुलरली एक्ट एज अ मेमोरी एलिमेंट ऑफ द सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट.
सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में हम क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं मेमोरी एलिमेंट की तरह, जबकि एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट में हम मेमोरी एलिमेंट की तरह अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। और अनक्लॉक फ्लिप फ्लॉप हमारे क्या कहलाते हैं? लैचेस। लैच और फ्लिप फ्लॉप में बेसिक डिफरेंस यही है कि लैच में कोई क्लॉक नहीं दी जाती, कोई सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्लॉक हम नहीं देते, और फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक सिग्नल अप्लाई करते हैं मेमोरी एलिमेंट और कॉम्बिनेशन सर्किट के बीच में सिंक बिठाने के लिए। तो यहाँ पे यही लिखा है, द क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप पर्टिकुलरली एक्ट एज अ मेमोरी एलिमेंट ऑफ सिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट, व्हाइल फॉर एसिंक्रोनस सिक्वेंशियल सर्किट एज अ मेमोरी एलिमेंट वी यूज अनक्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप यानी लैचेस। तो ये था फ्लिप फ्लॉप और लैचेस के बीच में, मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, लैचेस क्या होते हैं, दोनों कैसे काम करते हैं। जो लैचेस होते हैं और फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, डिफरेंस बस ये होता है कि फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास एक क्लॉक सिग्नल होता है और लैचेस में हमारे पास क्लॉक सिग्नल नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस देखने से आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। पहला है लैचेस। Latches used for the designing of sequential circuit, but are not generally preferred. हम latches का use करते हैं sequential circuit की designing के लिए, लेकिन उनको generally हम prefer नहीं करते, क्योंकि इनमें कोई control signal नहीं होता, कोई clock signal नहीं होता। In form, the building block of any sequential circuit are flip-flop. Next, flip-flop are the basic building block of any sequential circuit. जो हमारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट का, यानी सिक्वेंशियल सर्किट की डिजाइनिंग में हम मेमोरी एलिमेंट की तरह फ्लिप फ्लॉप का ही यूज करते हैं। तो आप कहोगे फिर हम लैचेस क्यों पढ़ें? तो लैचेस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि लैचेस जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे फ्लिप फ्लॉप का। मतलब अगर आपको लैचेस समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फ्लिप फ्लॉप समझ में नहीं आ सकता। तो जो बेसिक है हमारे फ्लिप फ्लॉप का वो लैच है, इसीलिए लैच पढ़ना जरूरी है। लेकिन लैच हमारा पहले आ गया था, उससे एडवांस है हमारा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप ज्यादा एडवांस है, इसीलिए हम सिक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं। नेक्स्ट, लैचेस। लैचेस आर द बायस्टेबल डिवाइस, इट हैज टू स्टेबल स्टेट दैट रिप्रेजेंटेड एज 0 और 1। जो लैचेस होते हैं वो हमारे बायस्टेबल डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें दो स्टेबल स्टेट होती हैं जिनको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम फ्लिप फ्लॉप भी हमारे बायस्टेबल डिवाइस कहलाते हैं, इनको हम बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इसमें भी दो स्टेबल स्टेट होती हैं जिनको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही हमारे 1-bit स्टोरेज डिवाइस होते हैं, यानी 1 bit को स्टोर करते हैं 0 या 1। नेक्स्ट, इट चेक द इनपुट कंटिन्यूअसली एंड रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इनपुट इमीडिएटली। लैचेस क्या करते हैं? इनपुट को चेक करते रहते हैं और जैसे ही इनपुट में चेंज होता है तुरंत आउटपुट चेंज करते हैं इमीडिएटली। इट चेक द इनपुट बट चेंज द आउटपुट ओनली एट द टाइम डिफाइंड बाय द क्लॉक सिग्नल और एनी अदर कंट्रोल सिग्नल। फ्लिप फ्लॉप भी इनपुट को चेक करते हैं, लेकिन इनपुट में चेंज होने के बाद भी अगर हमारी क्लॉक सिग्नल अपीयर नहीं होती या क्लॉक सिग्नल हाई नहीं होती तब तक हमारे फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड नहीं करते और प्रीवियस इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट, इनेबल इनपुट एक्टिवेट द फंक्शन ऑफ लैच। लैच में जो इनेबल इनपुट होता है वो लैच के फंक्शन को एक्टिवेट करता है। इन फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स इनेबल द ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जबकि फ्लिप फ्लॉप में जो क्लॉक सिग्नल होते हैं वो हमारे फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन को या ऑपरेशन को इनेबल करते हैं। लैचेस आर सेंसिटिव टू द अप्लाइड इनपुट सिग्नल ओनली व्हेन इनेबल्ड। अगर हमारा लैच जो है वो इनेबल्ड है तो इनपुट में चेंज होगा तो लैच इमीडिएटली आउटपुट में चेंज शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल एबसेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप इज सेंसिटिव टू द अप्लाइड इनपुट एंड द क्लॉक सिग्नल। हमारे जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसमें इनपुट भी अप्लाई होना चाहिए और क्लॉक सिग्नल भी हाई होना चाहिए, तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, यानी आउटपुट में चेंज शो करेगा। इसमें क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट,
यू कैन डिजाइन इट यूजिंग लॉजिक गेट, इसको हम लॉजिक गेट की हेल्प से डिजाइन करते हैं। यू कैन डिजाइन इट यूजिंग लैचेस अलोन विद अ क्लॉक, जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं उसको हम लैचेस की हेल्प से डिजाइन करते हैं, बस वहां पे एक क्लॉक सिग्नल लगा होता है। इट कैन कंपैरेटिवली फास्ट ऑपरेटिंग स्पीड, इनकी ऑपरेटिंग स्पीड फास्ट होती है लैचेस की, फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेटिंग स्पीड स्लो होती है। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्ड कंपैरेटिवली लेस पावर, लैचेस को लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है जबकि हमारे फ्लिप फ्लॉप को मोर पावर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग द सर्किट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, लैचेस को एनालाइज करना कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, जबकि फ्लिप फ्लॉप को एनालाइज करना इजी है। इट इज क्वाइट इजी टू परफॉर्म सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस करना फ्लिप फ्लॉप में इजी है और लैचेस में डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, लैचेस परफॉर्म एसिंक्रोनस ऑपरेशन, लैचेस का जो ऑपरेशन है वो एसिंक्रोनस होता है। फ्लिप फ्लॉप परफॉर्म सिंक्रोनस ऑपरेशन, जबकि फ्लिप फ्लॉप में हम क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं इसीलिए जो इसका ऑपरेशन होता है वो सिंक्रोनस होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे लैचेस के, SR लैच, JK लैच, D लैच, T लैच, और फ्लिप फ्लॉप के एग्जाम्पल हैं JK फ्लिप फ्लॉप, SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जो लैचेस होते हैं उनमें ही क्लॉक सिग्नल अप्लाई करके हम फ्लिप फ्लॉप्स बनाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के बीच का। तो होप आपको पूरा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि लैचेस क्या कहलाते हैं, फ्लिप फ्लॉप क्या कहलाते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो मोस्टली क्लॉक का डिफरेंस होता है लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में। लैचेस हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं फ्लिप फ्लॉप के, यानी अगर आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप समझना है, तो आपको लैचेस पढ़ने ही पड़ेंगे। लैचेस में अगर एक बार हमने लैच को इनेबल कर दिया तो अगर इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट इमिडिएटली चेंज होगा, लेकिन फ्लिप फ्लॉप के केस में ऐसा नहीं है। इनपुट को चेंज करोगे तो फ्लिप फ्लॉप तब तक इनेबल्ड नहीं होगा जब तक हमारा क्लॉक सिग्नल हाई नहीं होता, ठीक है। जब क्लॉक सिग्नल हाई होगा, इनपुट में चेंज होगा, तब हमारे आउटपुट में चेंज होगा। इसीलिए फ्लिप फ्लॉप का यूज हम करते हैं सिंक्रोनस मेमोरी एलिमेंट की तरह, और लैचेस का यूज हम करते हैं एसिंक्रोनस मेमोरी एलिमेंट की। तो ये कुछ डिफरेंस थे, होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।